अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम पांचवी जमात उर्दू बाल भारती नज़म नंबर 3 गंगा इस नज़म के सवाल व जवाब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या अगर आप हमसे कोई भी सवाल या जवाब पूछना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर क्लिक करते ही आप डायरेक्टली ग्रुप में पहुंच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, नज़्म की मदद से खाना पूरी कीजिए। तो इसका पहला खाना पूरी है, और पर्वतों से उतरी डैश डैश बदल कर। तो डैश डैश में लिखेंगे पहलू, और पर्वतों से उतरी पहलू बदल बदल कर। दूसरा खाना पूरी है, एक राह में बनाए 100 डैश डैश गंगा, यानी 100 आबिशार गंगा। तीसरा है, पौधों को जान दी है फूलों को जर दिया है, डैश डैश में हम जर लिखेंगे। चौथा है, रातों को चांद तारे लहरों में झूमते हैं, डैश डैश में हम लहरों लिखेंगे। पांचवा है, सब हैं डैश डैश तुझ पर सब हैं निसार गंगा, डैश डैश में हम लिखेंगे निसार। सब है निसार तुझ पर सब है निसार गंगा। अब है एक जुमले में जवाब लिखिए। तो उसका पहला सवाल है, गंगा कहाँ से निकलती है? तो इसका जवाब है, गंगा गंगोत्री से निकलती है। दूसरा सवाल है, गंगा पर्वतों से कैसे उतरती है? तो इसका जवाब नीचे दिया हुआ है, गंगा पर्वतों से पहलू बदल बदल कर उतरती है। तीसरा सवाल है, गंगा के रास्ते में आने वाले हर पत्थरों का क्या अंजाम होता है? तो इसका जवाब है, गंगा के रास्तों में जो भी पत्थर आता है वो उसे बहा कर ले जाती है, गंगा उसे बहा कर ले जाती है उन पत्थरों को। चौथा सवाल है, आबिशार कैसे बनते हैं? तो इसका जवाब है, नदी का पानी जब ऊंचाइयों से गिरता है तब आबिशार बनता है। पांचवा सवाल है, पौधों को जान दी है से क्या मुराद है? पौधों को जान देने से क्या मुराद है पूछा गया यहाँ पर। तो जवाब है, पौधों को जान दी है से मुराद पौधों को हरा भरा और ताज़ा कर दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने हम जमात दोस्तों और सहेलियों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसे ही सवाल और जवाब की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारे हर आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हमारे दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन करना ना भूलें। शुक्रिया।